आप अपना पता लिखवा दीजिए, मैं आपका ख्याल रखूंगा। पता? अरे साहब, मेरा कहीं पता होता तो फिर आर्टिस्ट क्यों होता? एक्टिंग की दुनिया में कब किसकी किस्मत चमक उठे और कब किसकी किस्मत का सितारा डूब जाए, कोई नहीं बता सकता। बॉलीवुड में कई ऐसे सितारे रहे हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में एक्टिंग की दुनिया पर राज किया, खूब नाम और शोहरत भी कमाई, लेकिन अंतिम समय गरीबी में गुजरा। ऐसे ही एक अभिनेता भगवान दादा भी थे। भगवान दादा का जन्म टेक्सटाइल मिल मजदूर के घर में हुआ था। शुरुआती दिनों में उन्होंने भी मजदूरी की, लेकिन बचपन से ही उन्हें एक्टिंग में भी इंटरेस्ट था। फिल्मी दुनिया में उन्होंने फिल्म क्रिमिनल से बॉलीवुड में कदम रखा था। अपने सिने करियर में उन्होंने बहादुर, किसान जैसी कई हिट फिल्मों में काम किया। भगवान दादा ने अपने जीवन में काफी पैसा कमाया था। उनकी गिनती सबसे अमीर अभिनेताओं में होती थी। समुद्र किनारे 25 कमरों का आलीशान बंगला, लग्जरी गाड़ियां, नौकर चाकर सब कुछ था उनके पास। एक्टर और डायरेक्टर के तौर पर भगवान दादा ने नाम भी खूब कमाया। दिलीप कुमार, देव आनंद और राज कपूर के बाद यही थे जो उस वक्त सबसे ज्यादा फीस चार्ज किया करते थे। 40 के दशक में भगवान दादा ने छोटे छोटे रोल निभाकर पहचान बनाई। साल 1942 में उन्होंने जागृति प्रोडक्शंस बनाया और वह प्रोड्यूसर बन गए। मेनस्ट्रीम सिनेमा से दूर फिल्में बनाना उनका पैशन था। साल 1951 में उन्होंने अलबेला बनाई जो उस दौर की बड़ी हिट साबित हुई। शोला जो भड़के गाने के बाद वह पॉपुलर ही हो गए थे। इसके बाद उन्होंने झमेला और भागम भाग जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में दी, लेकिन देखते ही देखते उनके हाथों से सफलता निकलती गई। कहा जाता है कि जब उन्होंने फिल्म हंसते रहना का निर्माण किया, वो उनका सबसे गलत फैसला था। भगवान ने इस फिल्म के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था, लेकिन उनको ये फिल्म बीच में ही बंद करनी पड़ गई थी। इसकी वजह से उन्हें अपना सब कुछ बेचना पड़ गया था। वह तकरीबन पूरी तरह बर्बाद हो गए थे। भगवान दादा को जुए और शराब की लत पड़ गई। बता दें कि 60 का दशक आते आते भगवान दादा कैरेक्टर रोल निभाने लगे थे। अपना घर चलाने के लिए मजबूरी में उन्हें सब कुछ बेचकर ये काम करना पड़ा। आखिर में उन्होंने अपना बंगला भी बेच दिया और वह दादर में उसी चौल में रहने लगे जहां से आए थे। फिर एक वक्त ऐसा आया जब इंडस्ट्री ने उन्हें पूरी तरह भुला दिया और वह गुमनामी के अंधेरे में खो गए। साल 2002 में हार्ट अटैक के चलते उनका निधन हो गया। उनकी ये कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी में समय कभी एक जैसा नहीं रहता। उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन हमें अपने रास्ते पर चलते रहना चाहिए। तो ओल्ड इज गोल्ड फिल्म्स के इस सफर के लिए आपको धन्यवाद। मिलते हैं अगले सफर में।